बिहार में कैसे पैसा खर्च करता तो बिहार का पैसा बिहार में रहता तो राजस्व का फायदा होता। लेकिन 15 साल में डबल इंजन का सरकार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं मिला। बताओ जी आजपुर की जनता, पटना से लेकर दिल्ली एनडीए की राज है, कुछ मिल रहा है आप लोगों को, गरीबों को? कि मोदी जी ठग लिए, नीतीश जी धोखा दे दिए, महागठबंधन बनाए कहाँ चले गए, कभी ने कभी ने, हमको इससे ज्यादा बात नहीं करनी। लेकिन दिल पे हाथ रख के बोलेगा, 15 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, ना गरीबी मिटा पाए, ना पढ़ाई रोक पाए, ना कारखाना लगा पाए, ना गरीबी हटा पाए, ना शिक्षा को तो चौपट कर दिया इन्होंने। अस्पताल में तो बदहाल है, अस्पताल पूरा सिस्टम बदहाल है। तो जो व्यक्ति को 15 साल मौका मिला, 15 साल कोई काम नहीं किया, वो आगे भी 5 साल काम करने वाला नहीं है। इसलिए देखिए, हमको एक मौका दीजिए, चाहे स्वर्ण जाति के हमारे भाई हो, चाहे पिछड़े जाति के हो, चाहे अति पिछड़े समाज के हो, चाहे हमारे दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक भाई हो, तेजस्वी यादव सबका साथ लेकर के चलेगा, किसी भाई का हाथ नहीं छोड़ेगा। और हम लोगों ने तो टिकट वितरण में सब लोगों को ध्यान में दिया, स्वर्ण जाति को भी महागठबंधन ने टिकट दिया अच्छी संख्या में, पिछड़ी जातियों को अच्छी संख्या में टिकट हम लोगों ने दिया, अति पिछड़े समाज को तो हम लोगों ने लगभग 25 से 26 टिकटें हैं जो हम लोगों ने दिया है, और दलित समाज में तो हम लोगों ने बाकी में दिया है, अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा किसी का दर्जा नहीं दिया तो हम लोगों ने दिया। तो देखिए, सारा संतुलन ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि हमने हाथ हर समाज, हर धर्म, हर वर्ग के आगे बढ़ाने का काम किया, अब आपकी बारी है कि गले लगाने का। हम नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहार को आगे ले जाना है तरक्की के रास्ते पे। एक मौका तेजस्वी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे दोनों हाथ सब लोग उठा करके जब तक नहीं मिलेगा, मिलेगा तो तेजस्वी ने भी संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री रहते जो पहला दस्तखत करेगा, कलम चलाएगा, पहला मंत्रिमंडल के बैठक में देश के इतिहास में पहली बार 1,10,00,000 नौजवान को सरकारी नौकरी। कितना? 10,00,000। कितना? 10,00,000। कितना? 10,00,000 सरकारी नौकरी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।